आज अगर इतनी चिंता है आपको तो क्यों इसके तब दरवाजे आप खोल रहे थे, जब इन रास्तों को आप खोल रहे थे क्यों आपने खोला? और सरकार ने इस एडवर्टीजमेंट को, इस नियुक्ति को विड्रॉ कर, इसको रद्द कर पुनः ये साबित किया है कि मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पार्टी रामविलास, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन, मैं हूं आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह। लेटरल एंट्री को लेकर सियासत खूब गर्म है, जहां चिराग पासवान इसके विरोध में है तो वहीं तेजस्वी यादव और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो लगातार मोदी सरकार पर प्रहार कर रहे थे। अब जब इसका विज्ञापन रद्द कर दिया गया है तो चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि उनकी सरकार है जो सभी गठबंधन दलों को बात मानती है और सभी की बात सुनते हुए ये विज्ञापन है वो रद्द कर दिया गया। पर तेजस्वी यादव लेटर ट्वीट कर रहे हैं, जब सवाल न्यूज़ फाउंडेशन के तरफ से किया गया तो क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। ये वही विपक्ष है ना, जैसा मैंने कहा कि इसके दरवाजे किसने खोले। आज अगर इतनी चिंता है आपको तो क्यों इसके तब दरवाजे आप खोल रहे थे, जब इन रास्तों को आप खोल रहे थे क्यों आपने खोला? आज जब मेरी सरकार ने ये फैसला लिया और कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंट सेट किया, एक उदाहरण सेट किया आने वाले समय में भी, भाई कल को मुझे नहीं पता किसकी सरकार होगी, बट उस सरकार के पास ये उदाहरण के तौर पर होगा कि भाई ये नियुक्ति निकली थी और एक सरकार ऐसी थी, एक प्रधानमंत्री ऐसे थे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने समाज की बड़ी आबादी की चिंताओं को सम्मान देने के लिए इस फैसले को वापस लेने का काम किया। भाई बात मजबूती की नहीं है, बात सही विषयों की है। जब जब मैंने, मेरे दल ने सही विषयों को सरकार के समक्ष रखा है, सरकार ने हमेशा उसका सम्मान किया है। शक्ति पार्टी रामविलास, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती है और मैं समाज की तरफ से, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की तरफ से भी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बड़े वर्ग की चिंता को सम्मान देने का काम किया और जो ये नियुक्ति निकाली थी उसको रद्द करके पुनः उन्होंने इस समाज का विश्वास जीतने का काम किया। ये पत्र थोड़ी देर में आप सबके साथ मैं साझा भी कर दूंगा। इस पत्र के माध्यम से यूपीएससी चेयरमैन को ये निर्देशित किया जाता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो कि एमओएस है पीएमओ के, उनके द्वारा ये निर्देशित किया जाता है चेयरमैन यूपीएससी को, और इसमें कहा जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट निकाला है वो प्रधानमंत्री जी के, दिस एस्पेक्ट नीड्स टू बी रिव्यूड एंड रिफॉर्म्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स फोकस ऑन एश्योरिंग सोशल जस्टिस, हेंस आई अर्ज द यूपीएससी टू कैंसल द एडवर्टीजमेंट फॉर द लेटरल एंट्री रिक्रूटमेंट इशूड ऑन 17/8/2024। ये पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराता है, उनके समर्पण को दोहराता है सामाजिक न्याय में। जब मैं उनके ऊपर विश्वास कर आगे बढ़ने का काम करता हूँ, उन्होंने इस विश्वास को पुनः दोहराने का काम किया, इसको मजबूती से स्थापित करने का काम किया और सरकार ने इस एडवर्टीजमेंट को, इस नियुक्ति को विड्रॉ कर, इसको रद्द कर पुनः ये साबित किया है कि मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से समाज के गरीब वंचित शोषित वर्ग के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और अगर कहीं कोई इस तरीके का फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है जो मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आता है, उसको भी प्रधानमंत्री जी सुधारने के लिए मजबूत कदम उठाने की क्षमता रखते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने पुनः दर्शाया। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदेश आया था
उसमें ऑब्जर्वेशंस में क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र किया गया था अनुसूचित जाति को लेकर, शेड्यूल कास्ट को लेकर। उसमें यह कहा गया था कि क्रीमी लेयर के प्रावधान इसमें बनाए जाने चाहिए। मैंने भी उसमें आपत्ति दर्ज की थी, मेरी पार्टी ने भी अपनी आपत्ति दर्ज की थी, क्योंकि जब आप अनुसूचित जाति की बात करते हैं, ये वो जातियां हैं जिनको भारत के संविधान में स्केड्यूल किया गया है शेड्यूल कास्ट के तौर पर, जिनका आधार छुआछूत रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों का आधार कभी भी शैक्षणिक नहीं रहा, आर्थिक नहीं रहा, वो सिर्फ और सिर्फ छुआछूत रहा। ये वो जातियां हैं जिनको समय समय पर गांव से बाहर रखा जाता था, देखना पाप माना जाता था, छूना पाप माना जाता था।